नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। सूर्य ग्रहण के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का पहला सूर्य ग्रहण बेहद होगा खास। तारीख, समय और कहां दिखाई देगा ये जानेंगे। 15 दिन में दो ग्रहण भूकंप, मतभेद, मानसिक बेचैनी और सरकार में उथल पुथल बचा सकते हैं और किन सात राशि वाले लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा ये भी जानेंगे। देखिए, ग्रहण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ग्रहण का प्रभाव राशि के अनुसार देश और दुनिया पर शुभ और अशुभ दोनों तरीके से पड़ता है। ग्रहण का मतलब है ग्रस्तता, जो दिया है उसे छीन लेते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं और इसके चलते सूर्य कुछ समय के लिए चंद्रमा के पीछे छिप जाते हैं। सूर्य ढक जाने से दिखता नहीं और धरती पर अंधेरा छा जाता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। दूसरी ओर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात में होता है। इसमें पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में चंद्रमा छिप जाता है। यह दोनों ही खगोलीय घटना कभी आंशिक कभी पूर्ण रूप से दिखाई देती है। देखिए, चैत्र नवरात्रा से एक दिन पहले साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है, ऐसे में कुछ काम करने से बचना चाहिए। 25 मार्च होली के दूसरे दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था जो भारत में दिखाई नहीं दिया था। ऐसे में 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका प्रभाव होगा या नहीं, कितने बजे लगेगा और किन की जगह पर दिखाई देगा यह भी जानते हैं। देखिए, ग्रहण भारतीय समय के अनुसार चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण रात को 10:09 से मध्य रात्रि 1:26 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा के सबसे नजदीक होने के चलते यह 50 सालों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगभग 7:30 तक रहेगा। इस दौरान आसमान में सूर्य नजर नहीं आएगा, सिर्फ उसका कोरोना दिखाई देगा। ऐसे में ग्रहण के क्षेत्र में मौजूद लोग पृथ्वी के करीब मौजूद बृहस्पति शुक्र ग्रहों के साथ धूम्र केतु को भी सीधे देख पाएंगे। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, केंटुकी, ओहायो, न्यूयॉर्क, पश्चिमी यूरोप, उत्तर दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक और आर्कटिक आदि कई जगहों पर दिखाई देगा। यहां इसका प्रभाव और सूतक काल मान्य होगा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई भी शुभ या पूजा पाठ करना वर्जित है। देखिए, ग्रहण कहीं पर भी हो लेकिन समूचे पृथ्वी पर इसका असर तो होता ही है, इसलिए आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, भले ही भारत में दिखाई न दे। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक काल समाप्त हो जाता है, फिर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करिए। दूसरा, पूर्ण ग्रहण सूर्य और चंद्रमा ग्रहण यदि आसपास पड़ रहे हैं तो ग्रहण के कुछ दिन पहले या बाद में भूकंप, आपसी मतभेद, मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के लोगों को आर्थिक लाभ और मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन और मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कॉम्पिटिशन में सक्सेस मिलेगी। वहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों को पद और जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इसके अलावा इन राशि के लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ कोई नई मटेरियलिस्टिक चीज खरीदने का भी मौका मिलेगा। आप सभी को ग्रहण को आपदा नहीं अवसर मानना चाहिए अपनी जिंदगी की समस्याओं को दूर करने के लिए। महामृत्युंजय का जाप करें और 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को अपने वजन के बराबर, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, वजन के बराबर गेहूं का दान करना चाहिए, पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए और साथ में लाल चीजों को दान जितना करेंगे उतना ही आपके ऊपर से कष्ट समाप्त होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।